हेलो, दिस इज सारिका बहरोलिया और आप सभी की गुड़िया गुड़िया हमारी सभी पे भारी। हाँ, आप देख रहे होंगे आजकल और वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। सुंदर है हम, इन लोगों को काहे नहीं लगे। ऊपर से बेधड़क अम्मा बहुत जोर से आई है। जॉइंट फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। हम लोग कई बार सोचते हैं कि छोटे छोटे शहरों से निकलकर कैसे मुंबई में जाए, कैसे वहाँ पर अपनी जगह बनाए। खासतौर से जो फीमेल आर्टिस्ट होते हैं, फीमेल एक्टर होते हैं, उनके लिए तो ये बात और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसी बातें सामने आती हैं जिससे लगता है नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसा ही बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। मेरे साथ हैं सारिका बहरोलिया, सीरियल है गुड़िया हमारी सब पे भारी। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स सारिका। थैंक यू। ओके, तो ये जो जर्नी है गुड़िया हमारी सब पे भारी, ये कैसे शुरू हुई? इसका ऑडिशन हुआ था हमारे ग्वालियर में ही। ग्वालियर में? हाँ, ग्वालियर में ऑडिशन हुआ था और इत्तेफाक से मेरे घर के एकदम बगल में। वाह, मुंबई एकदम घर पे पहुंच गया। तो हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने बोला कि आप जाके ऑडिशन देके आओ, कुछ बुंदेली में ऑडिशन है। तो बुंदेली तो आती नहीं थी, फिर भी मैं टूटा फूटा बुंदेली में एक ऑडिशन कहीं लेके कुछ भी। उसके बाद ऑडिशन दिया तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको मुंबई बुलाएंगे तो आप आ जाएंगी। मैंने कहा कि हाँ, बताती हूँ मैं आपको। उसके एक दिन बाद ही मेरे पास फोन आया। फिर मैंने पापा को बताया तो पापा, पहले तो मना किया उन्होंने कि वहाँ कैसे जाओगी, कैसे रहोगी अकेले, इतना बड़ा शहर है। तो मैंने कहा कि जाने तो दो, अभी सिर्फ शॉर्टलिस्ट हुई हूँ, अब मुझे नहीं पता कि मेरे अलावा और कोई भी लड़कियाँ वहाँ पर शॉर्टलिस्ट होके आई हो तो पता नहीं। उसके बाद फिर मैं मुंबई आई। 2 महीने मैंने वर्कशॉप की लैंग्वेज को लेके, लैंग्वेज सीखी मैंने बुंदेली। तो वर्कशॉप प्रोडक्शन हाउस में हुई आपकी? हाँ, उन्हीं लोगों ने कराया। तो मेरे साथ 15 गुड़िया और थी, मैं अकेली नहीं थी। टफ कंपटीशन। हाँ, मैं, मेरे अलावा 15 गुड़िया और थी, जिसमें से 5 लड़कियाँ तो ऐसी थी जो काफी अच्छे नोन फेसेस थे। मैंने काफी टीवी पे उन लोगों को देख रखा था। कैमरे का मुझे नहीं पता क्या होता है, क्या फेसिंग, क्या मतलब, मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तो वो सब वर्कशॉप में समझने का मौका मिला? नहीं, वर्कशॉप में तो सिर्फ लैंग्वेज सिखाई। ओके, ये कैमरा ये सब तो मैंने बाद में सीखा, जब मैं शूट करने लग गई उसके बाद। तो फिर हमारा ऑडिशन हुआ, फिर री ऑडिशन हुआ मुंबई आके भी, फिर बहुत सारे ऑडिशन री ऑडिशन हुए। उसके बाद सेलेक्ट होते 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 फिर हम 3 लड़कियां बचे। उसके बाद फिर हम तीनों के साथ मॉक शूट हुआ, हमने मॉक शूट किया। मॉक शूट होने के बाद फिर मैं वापस ग्वालियर भी गई 3 दिनों के लिए। उन्होंने बोला कि हम आपको बताते हैं। ओके, तो जाने का मन मेरा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा पता नहीं अभी इनका फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा, तो डर भी था। मैं कॉलेज गई तो सब लोग बोले कि क्या हुआ, तो गई थी मुंबई, वापस क्यों आ गई? मैंने कहा भी उनका फोन आएगा, लेकिन चलो 3 दिन के बाद ही मेरे पास फोन आ गया कि आप फाइनल हो चुके हैं, आप वापस आ जाइए। ओके, ग्रेट। तो फिर मैं वापस आई। उसके बाद बस फिर हमारे डायरेक्टर सर के साथ मीटिंग हुई मेरी। फिर उन डायरेक्टर सर ने मुझे मेरा कैरेक्टर बताया कि गुड़िया कैसी है, और राइटर्स हैं जो हमारे समता जी और अभी जी, उन लोगों ने मुझे पूरा कैरेक्टर बताया कि गुड़िया कैसी है, गुड़िया क्या करती है, गुड़िया मतलब। तो फिर सर के साथ बहुत सारी क्लासेस हुई मेरी, मतलब सर के साथ 1 महीना मैंने वर्कशॉप की डायरेक्टर सर के साथ। हाँ, ओके। फिर सर ने मुझे पूरा गुड़िया बना दिया। ओके। उसके बाद आप लोग देख ही रहे होंगे गुड़िया कैसी हो गई। गुड़िया सारिका से कितनी अलग है? 50% तो गुड़िया सारिका के जैसी ही है, क्योंकि गुड़िया भी दिन भर चप्पड़ चप्पड़ करती रहती है और सारिका भी, उसको बस कोई सुनने वाला होना चाहिए और कोई बातें करने वाला होना चाहिए उसके साथ। लेकिन इसमें एक खास तरह का सारे का आपने एक फेस जेस्चर बनाया है। हाँ। वो खास जेस्चर नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है, वो आपने क्रिएट किया है। हाँ, वो मैंने क्रिएट किया है। मैं सोचती हूँ गुड़िया ऐसा कर सकती है यहाँ पर। कैसे बोलती गुड़िया? तो कहाँ हो गया भाऊजी, पैसा दे दो हमें, कचौड़ी खाएंगे हम कन्हैया के तकी। आप देख रहे हैं इसमें फेस का जैसे बिल्कुल चेंज है, चेंज जो नॉर्मल सारिका का। हाँ, नॉर्मल नहीं है, नहीं है। ऐसे थोड़ी बोलते होंगे, ऐसे थोड़ी बोलेंगे पैसा दे दो। ओके, आपने बताया कि आपकी पहले वर्कशॉप हुई तब 15 गुड़िया थी, उसमें से 3 गुड़िया रह गई, फिर आपको भी बोला गया कि जाइए बताते हैं। इसमें कितना टाइम लगा सारिका? पूरे 2 महीने। 2 महीने मतलब आप ऑडिशन ऑडिशन पे ऑडिशन? हाँ, कुछ भी नहीं पता था कि कौन फाइनल होने वाला है। तो मतलब ये था कि सिर्फ हम लोग करे जा रहे थे बस। तो मतलब मैंने अपना 100% दिया, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं फाइनल होने वाली हूँ। क्योंकि मेरे लिए, मैं आई थी मुंबई में, मैं किसी को भी नहीं जानती थी, किसी को भी, सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया था। लोग कहते हैं ना, अरे जान पहचान होती है तो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राइट,
बिल्कुल नहीं, सब लोग गलत सोचते, मैं भी गलत सोचती थी अपने शहर में, क्योंकि हमें बहुत गॉसिप्स सुनने को मिलती है कि वहाँ पे जुगाड़ चलती है, घुटिज्म चलता है, नेपोटिज्म चलता है, तो हमको लगता है हाँ शायद ऐसे ही होता होगा, मैं भी यही सोचती थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि मैं यहाँ आई थी तो मैं किसी को नहीं जानती थी। ओके ग्रेट। अब इसमें एक और बात आपने बोली कि आपका मॉक शूट हुआ है ना, तीन लोगों का, नॉर्मल पब्लिक नहीं जानती मॉक शूट क्या होता है, क्या होता है मॉक शूट? हम लोग पर्टिकुलर कोई एक सीन पकड़ते हैं, जैसे कि हमारा हुआ था मेरी और माँ के साथ, okay, जो माँ प्ले कर रही है, जो माँ प्ले कर रही है उन माँ के साथ, वही राइटर है हमारे शो की, तो उनके साथ हमारा मॉक शूट हुआ था, एक सीन दिया गया था हमें, तो मेरा और माँ का, हमने, हमें रात में स्क्रिप्ट मिली कि कल आपका मॉक शूट है, मैंने कहा ठीक है, समता जी के साथ जी जी। उनका मॉक शूट हुआ मेरे साथ, तो फिर मॉक शूट तो मतलब मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है कैमरे के बारे में क्या है क्या नहीं, तो मुझे जो लगा मैं उसके अकॉर्डिंग में करके आ गई अपना मॉक शूट। ओके, मॉक शूट इसलिए भी कराया जाता है कि जब अदर फैमिली मेंबर्स के साथ आप ऑन स्क्रीन दिखेंगे तो आपका लुक कैसा आएगा और आपकी केमिस्ट्री कैसी दिख रही है। तो इतना ज़्यादा देखा जाता है, इतना ज़्यादा फिल्टर किया जाता है, इतना आसान नहीं है कि किसी से पहचान है तो आपको काम मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा देखते हैं क्योंकि आखिर में तो ऑडियंस को पसंद करना पसंद है ऑडियंस को। सारिका आप आए ग्वालियर से, है ना, नॉर्मली लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ऑडिशन देते हैं, फिर काम मिलता है, आप वहाँ से एक शॉर्टलिस्ट हुई, फिर यहाँ पे आई, ऑडिशन दिए और फिर काम आपको मिल गया और आज आप बहुत अच्छे से काम करिए, हमने देखा सीन बहुत अच्छे से आप निभा भी नहीं थी, बड़े बड़े डायलॉग थे, लेकिन अगर नहीं आती ऐसे तो क्या सच में फिर भी आती? फिर आने का सोचा तो था मैंने, ये था कि मैं अपना कॉलेज खत्म करने के बाद आऊंगी, लेकिन अब ये नहीं पता था कि मेरा फोर्थ सेम था और फोर्थ सेम में ही मैं शॉर्टलिस्ट हो गई और मैं यहाँ ऐसे आ गई। तो सारी का आने का इरादा था, मतलब सोच रही थी, लेकिन ये प्लान नहीं था कि कब जाओगे कब नहीं जाओगे, लेकिन ये मौका खुद चल के आ गया, ठीक है ग्रेट। अब जब आप जाती हो ग्वालियर, अभी तो गई नहीं मैं, अरे गई जब से आई हूँ तब से गई नहीं मैं। क्यों, आप टीवी के जरिए तो जाती होंगी? नहीं, मैं प्रमोशन के लिए गई थी, हाँ। पर मेरे शहर नहीं गए, बाकी सब जगह इंदौर भोपाल। ओके, तो अब जब आपके बाकी ग्रुप के लोग या घर वाले आपका सीरियल देखते हैं और आपको अब टीवी पे देखते हैं तो कैसा कॉम्प्लीमेंट देते हैं लोगों को? तो मतलब मेरे पेरेंट्स के अलावा और लोगों को तो यकीन ही नहीं होता, वो लोग कहते हैं पता नहीं कैसे पहुँच गई, फिर कहते हैं अरे वाह इतनी दूर कैसे पहुँच गई, तो मतलब लोगों, और क्योंकि मैंने जब मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था। ओके, मेन चीज़ की मैंने किसी को नहीं बताया कि अगर मुझे कंफर्म नहीं था ना कि मैं फाइनल हो जाऊंगी कि नहीं होंगी, तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था। जब मैं एकदम फाइनल होकर वापस दोबारा मुंबई आ गई, उसके बाद जब लोगों को खुद से पता चलने लग गया, उसके बाद फिर मैंने कहा कि हाँ मैं, ये कहीं ना कहीं सही स्ट्रेटेजी भी है क्योंकि आप ज्यादा लोगों को बताते हैं तो वो लोग पूछते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। हाँ, कभी होगा, क्योंकि मैं जब यहाँ दो महीने, तब भी जैसे मेरी मम्मा मेरे साथ में थी यहाँ दो महीने वर्कशॉप के टाइम पे, तो पापा का भी रोज फोन आता था, मैं रोज क्लास, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, तू कब फाइनल होगी, होता है ये होता है। मतलब मैंने कहा एक ही दिन निकला और रोज पर डे एक ही क्वेश्चन, मैंने कहा रोज रोज एक ही चीज पूछने से थोड़ी ना मैं फाइनल हो जाऊंगी। जब आप ग्वालियर में थे, जब हम लोग शहर में रहते हैं तो नॉर्मली कोई क्या बहुत ज्यादा खूबसूरत एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखता है, बहुत हाइट होती है, बहुत अच्छा फिगर होता है, तो उसको बोलते हैं तुम ना फिल्मों में जा सकते हो, लेकिन जब कॉमन फेसेस होते हैं, हम जैसे होते हैं, तो कैसे लगता है कि मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, इतने बड़े मौके क्या मेरे लिए हैं, क्या मैं मेन लीड कर सकती हूँ, कभी सवाल आते थे मन में? एक्चुअली क्या था, सब कहते थे मुझसे कि करो आप ट्राई करो कभी ऑडिशंस दो, तो मुझे पता तो था नहीं यहाँ का कैसे क्या होता है, तो उसके बाद जब मैं शॉर्टलिस्ट होके आई भी थी तो सब लोग मुझसे कहते थे कि मतलब ठीक है आप लेके तो आ गए इसको, जो नॉन फेसेस थी, जो लोगों ने काफ़ी काम कर रखा है, तो मतलब वो लोग ऐसे कहती थी कि ये कैरेक्टर 25 साल की लड़की का है और मैं 21 साल की हूँ, तो मतलब आप इसको क्यों लेके आए हो, ये तो 21 साल की है, 25 साल की लड़की का कैरेक्टर है, तो मैं तो सब लोग बोलते थे मेकअप से सब कुछ हो जाता है, अच्छा बन जाती है वो भी बन जाएगी, तो बोलते, और मतलब जैसे मेरा मेकअप भी होता तो एक एक घंटा लगता है मेकअप होने में, मैं इतनी टैन हो रही हूँ, मुझे करते हैं ये लोग कैरेक्टर के हिसाब से, हाँ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग दो चोटियाँ बनाते हैं, फिर ऐसा मेकअप करते हैं जैसे मैं दिख जाऊँगा, मेरा हार्ट बुक दिख सकते हो आप, मैंने वैक्स नहीं कराया कितने टाइम से, दो महीने से मुझे बोला गया है ऐसा, रोल सब करवा लेता है, हाँ उन्होंने बोला कि बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है, तो ऐसा था कि हाँ मेकअप करके उन लोगों ने मुझे ऐसा बनाया। अब ये है सवाल कि आप नए थे, आपकी वर्कशॉप्स हुई, वर्कशॉप करके मतलब जब उनको लगा कि आप परफेक्ट हैं तब काम शुरू हुआ, इसके अलावा यहाँ पर सारे सीनियर एक्टर्स हैं कई, है ना, तो आपको उनसे कॉपरेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, कैसा रहता माहौल? नहीं, मैं जैसे कि सेट पे जाती हूँ, पर मेरा डे फर्स्ट से ऐसे ही था, सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, सीरियसली मतलब मैं ये बोलूँगी भगवान को बहुत दिल से थैंक यू बोलूँगी कि मुझे ऐसे लोग मिले, मेन चीज़ मेरे डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं, डांट तो पड़ती है, काम नहीं करूँगी तो डांट पड़ेगी, लेकिन बहुत अच्छे से कराते हैं सारी चीज़ें, कि मतलब मैं इतने अच्छे से आज कर पा रही हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं,
तो सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगी डायरेक्टर सर की वजह से। ओके। वो बहुत अच्छे से करवा पाते हैं, एकदम उन्होंने कैरेक्टर निकाल दिया अंदर से कि गुड़िया ऐसी है। लैंग्वेज की आपकी वर्कशॉप हो गई, बाकी लोग सपोर्ट करते हैं, चीजें आपने सीख ली हैं, समझ ली हैं। अब जब आप रोल कर रही हो, इंडस्ट्री को पसंद कर रही हो, एक परसेप्शन पहले था, आज सारिका का परसेप्शन क्या है आप बताओ, ताकि और कोई सारिका डर के ना बैठे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी जब तक यहाँ नहीं थी, मेरे पास ये शो नहीं था कि अरे सब वहाँ सेटिंग चलती है, जान पहचान होगी तभी आपको काम मिलेगा, अरे कास्टिंग वाले ऐसे होते। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं ग्वालियर में ही कास्टिंग वाले आए थे जो हैं, मैं उनका थैंक यू बोलूँगी, अमृत वालिया मैम का, आलोक राय सर का और सुमित सर का, तीनों लोग मेरे शहर आए थे ऑडिशन लेने। उन लोगों को मैं बहुत पसंद आई थी। उसके बाद मैं उनको भी पर्सनली नहीं जानती थी। okay. बिल्कुल नहीं जानती थी, ना पहले से कोई जान पहचान थी ना अब, लेकिन आज इतना अच्छा रिलेशन है कि आज उनका खुद से फ़ोन आता है, वो मुझसे पूछती है बेटा तुम कैसी हो, तुम्हारा काम कैसे, क्योंकि वो मुझसे बोलती तो मुझे बहुत प्राउड फील करा रही हो, क्योंकि वो मुझे लेके आई है। तो वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होती। और कोई भी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप यहाँ किसी को जानते हैं, आप जान पहचान के थ्रू, मतलब आप सिर्फ ऑडिशन दे सकते हैं कि आप अगर किसी को जानते हैं तो आपका ऑडिशन करवा सकता है वो बंदा, लेकिन आपका सिलेक्शन वो नहीं करवा पाएगा, क्योंकि आपको देखने वाली ऑडियंस है, आपका काम कैसा है, आपका टैलेंट ही आपको वहाँ तक लेके जाएगा। ये नहीं कि आप उसको जानते हो और आप उसकी बेटी हो, या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हम सोचते थे पहले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सच बिल्कुल नहीं है ये। एक और फियर रहता है खासतौर से गर्ल्स में और गर्ल्स के पेरेंट्स में कि कास्टिंग काउच यहाँ पर एक बहुत बड़ा टैग है, टैबू है, वो आप क्लियर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बताने के लिए वो जर्नी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं और हम काम कैसे कर रहे हैं। मुझे 4 महीना हो गया यहाँ पे, मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। सब लोग मुझे, छोटी बहन, मेरे सारे प्रोडक्शन हाउस वाले जो हैं, टेलीविजन वाले, सभी लोगों ने मुझे छोटा बहन बना लिया कि छोटी बहन है ये हमारी। और हमारे कास्टिंग वाले जो मुझे यहाँ तक लेके आए, हमारी अमृत मैम, ये लोग मुझे अपनी बेटी मानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं। थैंक यू सारिका, थैंक यू, थैंक्स टू यू। तो ये थी सारिका गुड़िया। अब ये गुड़िया घर घर की गुड़िया बन गई है, इसलिए कि उनकी बातें सबको अच्छी लगती है। लेकिन इनकी जो बातें इस वीडियो से निकल के आई हैं, वो खास तौर पर ये हैं कि यदि आप में टैलेंट हैं, आपके अंदर मन है, तो अब मौके शहर में भी पहुंच रहे हैं। इसलिए जो लोग रीजनल जगह पर रहते हैं, वो घबराएं नहीं, बस पता करते रहे कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, कौन आ रहा है, कहां पर ऑडिशन हो रहे हैं, लोकल एरिया में कौन कास्टिंग करता है, तो मौके आपको भी मिल सकते हैं, जैसे कि सारिका को मिला। लेकिन उसके बाद एक टफ प्रोसीजर है, आखिरी में टैलेंट की ही जीत होगी, और उसके लिए वर्कशॉप होती है, क्लासेस होती हैं, और वर्कशॉप और क्लासेस की कोई पैसे नहीं लिए जाते। नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो इवन इन लोगों ने, प्रोडक्शन हाउस वाले ने जब मुझे बुलाया यहाँ पर वर्कशॉप के लिए, तो मुझे 2 महीने उन्हीं लोगों ने अपने खर्चे पे रखा, मेरा कुछ भी नहीं था। राइट राइट। कुछ मेरी, मुझे और मेरी माँ को, दोनों को। जब मैं, मेरा शो कन्फर्म हुआ कि हाँ मैं फाइनल हो चुकी हूँ, उसके बाद मैं खुद से रह रही हूँ। उससे पहले सब कुछ मेरे प्रोडक्शन हाउस वालों ने ही किया। ये भी बहुत बड़ा मिथ होता है, कई बार आप लोग सुनते हैं कि भाई सिलेक्शन हो गया, अब आपको वर्कशॉप करनी है, उसकी फीस देना, ये सब फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब अपने करेक्टर में रम जाते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, डायरेक्टर की बात सुनते हैं, जो सीनियर हैं उनसे सीखते हैं, तो आप यहाँ पर रोल तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ रिश्ते भी बना लेते हैं, कभी छोटी बहन बन जाते हैं, किसी के लिए गुड़िया, किसी के लिए बेटी बन जाते हैं। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।